में पोस्टर वॉर और तेज हो गया है। कल आरजेडी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए थे, तो आज आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर हमला करते हुए पोस्टर्स लगाए। आरजेडी ने ये पोस्टर अपनी पार्टी ऑफिस के बाहर लगाया। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के कार्टून बनाए गए हैं। तो ये पोस्टर वॉर जो बिहार में छिड़ा था वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले आरजेडी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए थे, तो आज आरजेडी ने भी उसके जवाब में एक तरीके से कहे तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर हमला करते हुए ये पोस्टर्स लगाए हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, कुल मिलाकर बिहार में ये पोस्टर वॉर छिड़ गया है अब? बिल्कुल, देखिए ये चुनावी साल है और नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में साल शुरू होते ही ये पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कल जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें यह दिखाया गया था कि नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासन था उसमें सुशासन था, जबकि राबड़ी देवी और लालू यादव का जो पिछला 15 साल का कार्यकाल था वो उस समय जनरल राय था, उसी के विरोध में फिर आज आरजेडी की तरफ से यह पोस्टर लगाए गए हैं। और आरजेडी ऑफिस के सामने जिसमें नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्टून है, ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनावी साल आते ही बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और एक दूसरे को नीचे भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह जरूर दर्शाया गया है कि जो नीतीश कुमार का शासनकाल था वो सुशासन है, जबकि जो लालू यादव का शासनकाल था, राबड़ी देवी का शासनकाल था, उसमें जनरल राज था। नजर बनाए रखिए चंद्रमोहन।